मस्त बारिश हो रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह मस्त बारिश हो रही है और कल भी खूब शाम को अच्छे से बारिश हुई है। और ये बारिश देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना मैं डिहाइड्रेटेड हूँ और मुझे जाके नहाना चाहिए इस बारिश में। आज योगा क्लास हुआ नहीं, सुबह कोई आया नहीं है। अच्छा तो चलते हैं और थोड़ा सा बारिश के मज़े लेके आते हैं। तो मस्त बारिश में भीग के आए। जैसे मैं घर से बाहर निकला ना तो बारिश बंद हो गई थी और फिर मैं लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैंने वॉक किया। बारिश हो नहीं रही थी, बूंदे बूंदे पड़ रही थी, मजा नहीं आ रहा था। मैंने भी कहा यार हे भगवान क्या कर दिया अपने, मतलब जो सोच के निकला था वो तो हुआ ही नहीं। और उसके बाद फिर जो बारिश पड़ना शुरू हुई है ना, मतलब मुझे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और वॉक करना पड़ गया कि भीग तो जाऊँगा मैं अच्छे से। लेकिन अच्छे से भीगा, मजा आया। और अब चेंज करते हैं थोड़ा सा। आज क्या नाश्ता करेंगे आद्विक? इस मौसम में कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट, जैसे कि दम आलू इलाहाबाद का। यह है कॉफी और दम आलू। दिन भर नेटफ्लिक्स देखा गया है, बारिश का मौसम है, सैटरडे था कहीं जा नहीं पाए, पर अब भी जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा निकल करके बाहर मॉल तक जाएंगे, घूम के आते हैं। तो हम और आद्विक रेडी हो गए हैं और आद्विक की मम्मा रेडी हो रही है और हम लोग निकलेंगे यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मॉल। मॉल चलो। एक बारिश होती है, एक दिन भर बारिश होती है, सड़कों पे गड्ढे निकल के बाहर आ जाते हैं और ट्रैफिक तो पूछो मत, हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक। तो हम लोग मॉल तो पहुंच गए लेकिन यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा इशू है, इसलिए अंकिता गई है। अंकिता जाके जल्दी से अपना उसको स्पेक्स लेने हैं, वो अपने स्पेक्स लेके और वापस आ जाएगी और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कहीं और जाएंगे थोड़ा सा पार्किंग। हाँ बेटा अभी हम लोग खाना खाने चलेंगे। अभी हम लोग क्या खाओगे आप? मैं खाऊंगा सोया चाप। सोया चाप? सोया चाप तो अभी कुछ दिन पहले ही खाया था, आज कुछ और खाएंगे। बाय। क्या कर रहे हो? तो आ गए हैं अंकिता के नए स्पेक्स और वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है। सच में वाकई अच्छा लग रहा है और पहले वाले से थोड़ा बेटर लग रहा है। इट्स वेरी क्लियर आल्सो, क्लियर लग रहा है विदाउट एनी स्क्रैचेस। ये क्या फोटोक्रोमैटिक है। अब इसका असली मजा तो आएगा धूप में। तो आ गए हैं मोमो नेशन कैफे। क्या खाओगे? ये आ गए हमारे अफगानी मोमोज। कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ ज्यादा सॉसी है, क्रीमी ना हो। और आप भी खा रहे हैं फ्राइज। कैसे हैं? अच्छा लगा? मुझे भी खिला दो। इस तरीके के मोमोज हम लोग पहली बार खा रहे हैं और टेस्ट अच्छा है ना? अच्छा है, क्वाइट डिफरेंट। तो कर लिया हम लोगों ने स्नैक्स और अब निकलेंगे यहाँ से वापस घर की तरफ। मज़ा आ गया मोमोज खा के भाई, स्वाद आ रहा है मुँह में, अच्छा था। अफगानी मोमोज पहली बार खाए, चीन मोमोज या फ्राइड मोमोज खाते हैं बट आज हम लोगों ने अफगानी मोमोज खाए पहली बार, मज़ा आया। चले आदु घर? हाँ फिर कहाँ चले? घूमने चलोगे? चलो घूमते। ऐसे लोग ऐसा ट्रैफिक लगाते हैं इस चौराहे पर, सब घुसे जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को रास्ता नहीं देगा, सब गाड़ियां घुसी जा रही हैं और ट्रैफिक जाम लगा जा रहा है। कैसा मतलब जो लोगों का सेंस है, ये पढ़े लिखे लोग गाजियाबाद इंदिरापुरम में रहते हैं और ये पुलिस की गाड़ी घूम ली, इसको तो कोई मतलब ही नहीं। खैर बाकी सब जो है फाइनली घर। और सच में मतलब दिल्ली NCR का जो हालत है ना, कि अगर आप बारिश हो जाती है तो बाहर तो मतलब ना ही जाए इंसान तो बेटर है, लेकिन क्या करें, अपना मन है दिल है मानता नहीं है कि थोड़ा सा मौसम अच्छा है, घूम के आते हैं फैमिली को, बच्चे को थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। बट जो ट्रैफिक होता है और जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, ऐसा लगता है कि उनका जो ड्राइविंग सेंस है वो ख़त्म हो जाता है उनको। मतलब अगर हम सामने वाले को रास्ता नहीं देंगे तो क्या हमें रास्ता मिलेगा? क्या सोच के
सिर्फ गाड़ी आगे ही आगे हम बढ़ाते रहेंगे, सामने वाले को हम कैसे भी रास्ता ब्लॉक कर दें, पीछे वाला कैसे भी जाएगा, आगे बाजू वाला कैसे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गाड़ी अपनी घुसेड़े रहो। चलिए खैर अभी आ गए वापस, अब जो है करते हैं वीडियो को एंड और करते हैं एडिट। मिलते हैं कल, मनाते हैं संडे, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।